आज हम लोग पाइथन में सेट के मेथड्स पढ़ेंगे। आज हम लोग सेट के बारे में दूसरा दिन है हमारा डिस्कस करते हुए, और सेट एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कलेक्शन होता है वैल्यूज़ का, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो जैसे और केसेस में होता है जहाँ पे हम एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट है, इन सब में हम केवल एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग मोर देन वन वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेट के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन किया था सेट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लिस्ट का एग्जाम्पल देते हुए पहले समझाया कि जैसे एक लिस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, ये सब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। उसी तरीके से सेट के अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेट है, तो माई सेट इज इक्वल टू ऑरेंज ग्रेप्स बनाना, ये एक सेट बन गया। या जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेम्स इज इक्वल टू मोहन सोहन दीपक, माई सेट इज इक्वल टू समथिंग। तो जैसे हम फ्रूट्स का सेट बना दें, हम नेम्स का सेट बना दें, इस तरीके से हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं, और ये हम लोगों का सेट का कंसेप्ट है। सेट कोई ऑर्डर नहीं होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेम्स को, तो उसका अब यहाँ पे चांस की बात है कि वो ऑर्डर आ गया, हम प्रिंट माई सेट करते हैं, तो ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर कुछ और हो गया। जिस ऑर्डर में आप क्रिएट करते हैं सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, और ये यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अब सेट के मेथड्स को समझने के लिए, सेट जिस तरीके से एक क्लास है और इस क्लास के अपने प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, तो सेट के मेथड्स को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ दो तीन लिस्ट और दो तीन सेट बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों ने एक सेट बनाया जिसको हम बैट नाम दे रहे हैं। इसमें हम उन सब लोगों को रखने वाले जो सब लोग बैटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्रिकेट के रेफरेंस में बात करते हैं, और किसी टीम को हम एक सेट भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक टीम भी एक तरीके का सेट है, वो उसमें कलेक्शन ऑफ नेम्स है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा रोहित, मान लीजिए ओडीआई की कोई टीम है, तो इसमें रोहित है, गिल है, कोहली है, राहुल है, जडेजा है, अक्षर है, मान लो ये भी बैटिंग कर लेता है। इस तरीके से हमने कुछ नाम लिखे, तो ये सारे वो लोग हैं जो बैटिंग कर लेते हैं, मान लो हार्दिक भी है, ये सब बैट्समैन हैं हमारी टीम में। फिर हमने बॉलर नाम का एक सेट बनाया जिसमें बुमराह है, शामी है, इसमें भी अक्षर है, इसमें भी जडेजा है, और इसमें भी हार्दिक है। तो एक एलिमेंट एक सेट में दो बार नहीं आ सकता है, पर एक एलिमेंट दो सेट में तो दो बार आ सकता है, राइट? ये चीज क्लियर है आपको? ओके, अब यहां पे बैट हो गया, बॉलर हो गया, ठीक है। और एक और हम लोग बनाते हैं सेट, इसको हम कीप नाम दे देते हैं, ठीक है। और कीप में हमने लिख दिया राहुल। तो ये जो सेट है तीसरा वाला, इसमें केवल एक एलिमेंट है, ये भी एक सेट है। तो जब कभी भी हम किसी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं,
और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करते हैं, तो वो एक सेट कहलाता है। अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे हमने दो सेट लिए, एक ए है और एक बी है। जो हमारा सेट ए है वो मान लेते हैं कोई बैट है, जैसे बैटिंग वाला जो सेट है वो ए है, और जो हमारा सेट बी है मान लीजिए वो बॉलिंग वाला सेट है। तो इसको हम मान लीजिए बैट कह देते हैं और इसे बॉल कह देते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सेट थ्योरी थोड़ी बहुत समझ रहे हैं, बट ये बेसिक सी चीज़ है जो आपने पहले भी पढ़ रखी है। तो मान लीजिए ये बैट है और ये बॉल है, तो ये जो रेड पोर्शन है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक तरीके का एरिया है, राइट? एक उस सर्किल का एरिया, एक इस सर्किल का एरिया, और ये ओवरऑल एरिया ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पूरा रेड पोर्शन। ये पोर्शन ये दिखा रहा है कि बैट और बॉल के बीच में कॉमन क्या है। तो हमारे केस में बैट और बॉल के बीच में कॉमन क्या है? कुछ दिखता है आपको कि कुछ कॉमन है? डू यू थिंक? यस सर। राइट? कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन है। तो इसको अब यहीं पे शुरू होता है सेट का मेथड। हम लोगों ने सेट के कुछ मेथड्स लास्ट टाइम भी पढ़े थे, जैसे हमने ऐड पढ़ा था और अपडेट पढ़ा था, राइट? ऐड मेथड में क्या था कि उस सेट में एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, किसी भी पोजीशन पे एक एलिमेंट ऐड हो जाता है। अपडेट में हमने ये पढ़ा था कि उस सेट में कई एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐड से एक एलिमेंट जुड़ेगा और अपडेट से कई एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं। अपडेट में अगर हमने लिस्ट कोई दे दी तो पूरा का पूरा सेट, उस सेट में वो लिस्ट जुड़ जाएगी। तो इस ये पूरा हमारा लाइव वीडियो था लास्ट टाइम, हमारे चैनल पे था, है पढ़ा, वीडियो ही पढ़ा है। तो वहाँ पे आप जाके इस चैनल को, इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, इस चैप्टर को। तो वो दो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, जिस मेथड का नाम है इंटरसेक्शन। इसके लिए हम लिखेंगे बैट डॉट, और आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े लिस्ट के, या हम लोगों ने चैप्टर पढ़े स्ट्रिंग के, तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम किसी क्लास का कोई एलिमेंट बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेट क्लास का एक एलिमेंट बनाया, सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट अब सेट क्लास के सभी मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। इसलिए कि जैसे आप एक घर के एक सदस्य हैं, तो आप उस घर के चीज़ों को यूज कर सकते हैं, आपको अलाउड है, पर ऐसे कोई बाहर ही नहीं आ सकता है। तो इसी तरीके से कि सेट के अपने मेथड्स हैं और लिस्ट के अपने मेथड्स हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूँ, इंटरसेक्शन ऐसे लिखेंगे, और लिखेंगे बैट डॉट इंटरसेक्शन बॉल। ओके, सॉरी बॉलर है तो हम लोगों ने उसका नाम बॉलर रखा। यहाँ पे एरर आया, बॉल इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन बॉलर? राइट? तो उसने खुद से ही हमें एक सजेशन दिया। सो ये एरर देख के भी अपनी गलती सही की जा सकती है। तो ये जो बैट डॉट इंटरसेक्शन बॉल क्या आया, इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आए जो इधर और इधर कॉमन थे। जैसे अगर यहाँ पे हम इसको लिखते, तो जैसे हम यहाँ लिखते राहुल, राहुल को हम यहाँ लिखते हैं कोने में, क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बताऊंगा। राहुल तो दिख ही नहीं रहा है। ये राहुल हो गया, मान लो ये कोहली हो गया, ऐसे तो सबने बॉलिंग की थी, बट हमारे केस में ये बैट है सब बोला, कोहली है, रोहित है, और मैंने क्या लिखा था, गिल है, मान लो ऐसा कुछ है। तो ये इधर आ गए, जो बुमरा है लाइक बुमरा, शामी,
ये इधर आ गए। अब यहां पे कैसे जड़े जा अधिक अक्सर, ये यहां पे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में ही है ये, इसी से तो हम कहेंगे कि ये दोनों का हिस्सा है। और इसीलिए जब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बैट इंटरसेक्शन बॉल करेंगे तो ये एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज हमारे पास दो कॉलम है, किसी टेबल के दो कॉलम है या किसी दो टेबल्स के अलग अलग कॉलम्स हैं, तो हम उन दोनों कॉलम्स को कंपेयर कर सकते हैं कि उन कॉलम्स में कोई कॉमन वैल्यूज हैं या नहीं है। ओके, इसके बाद अब एक और चीज पे आते हैं। इस कलर को लेते हैं, एक ये एरिया भी है, ये वाला कलर, इस कलर पे ध्यान दीजिए। ये जो भी कलर बोलो, लाइट येलो कह रहा है इसको। तो ये जो कलर है ये क्या दिखा रहा है? ये भी तो एक एरिया है, आप समझ पा रहे हैं? इस पूरे डायग्राम में ये पर्टिकुलर कलर भी तो एक एरिया है जिसमें रेड माइनस किया गया है, राइट? तो ये ऐसा नहीं है कि बैट में से बॉल वाला हिस्सा हटा दो। आप सोचिए इस बात, अगर हम पूरे बैट में से वो हिस्सा हटा दें जो बॉल में है तो ये वाला कलर आ जाएगा, राइट? मैं इस कलर की बात कर रहा यस हूँ, राइट? सो इसे हम क्या बोलेंगे, बैट डिफरेंस बॉल। ओके, याद रहेगा। हटा देने को क्या कहते हैं, डिफरेंस, राइट? सब्ट्रैक्ट। फिर मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, इसको बॉल ही नाम से सेव कर लेता। सो अगर मैंने लिखा बेट बैट डिफरेंस बॉल, तो देखो ये वो लोग आ गए जो सिर्फ और सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाए गए, ठीक है? इनको एज अ बैट्समैन खिलाया गया टीम के अंदर। तो अब आप बता सकते हैं कि सिर्फ बॉलर कैसे निकलेंगे? भाई एक, अब जैसे ये वाला जो कलर है, ये वाला लाइम कलर, जवाब आपने दिया बॉल डिफरेंस बैट, राइट? सही जवाब है। सो आप बस इसको उल्टा कर देंगे, बॉल डॉट डिफरेंस बैट। तो इससे सिर्फ वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ एज अ बॉलर खिलाए गए, उन्हें एज अ ऑलराउंडर नहीं खिलाया गया टीम में। सो ये है, एक हम लोग ने एक्चुअली कम लिया है, बट चलो ठीक है, 11 होना चाहिए। तो ये एक हो गया। अब ये दोनों आपको समझ में आए? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बैट माइनस बॉल और बॉल माइनस बैट, ये चीज याद रहेगी। सर तो जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के चैप्टर में, उस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में भी आपने देखा कि उसका भी यूज करके आप वो डिफरेंस वाला चीज निकाल सकते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? सर अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। हमारे सिर्फ बैटर्स आ गए, सिर्फ बॉलर्स आ गए, ऑलराउंडर्स भी आ गए, राइट? सिर्फ बैटर आए बैट माइनस बॉल से, सिर्फ बॉलर आए बॉल माइनस बैट से, ये चीज से आप लोग सब क्लियर है सबको, ठीक है? पर अब ये बताओ कि ऑलराउंडर
को हटा के बाकी सब। इसके लिए हम लोग का कौन सा पोर्शन सेलेक्ट होएगा? एक तो ये जिसे ये लाइट येलो बोल रहा है, और एक ये जिसे लाइम बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोलो हम लाइट येलो कर ही देते हैं उसको। तो मान लो हम पीला पोर्शन और लाइम पोर्शन हटा दें, सिर्फ ऐसा कैसे, सॉरी सिर्फ लाल पोर्शन हटा दें और हमें चाहिए कि सिर्फ पीला और ये आए। इसका मतलब ये कि जो या तो प्योर बैटर हो वो आए, या जो प्योर बॉलर हो वो आए, यानी अनकॉमन को छोड़ के बाकी सब आए। आप समझ रहे बात, सवाल समझ रहे? यस यानी जडेजा हार्दिक अक्सर नहीं आए, बाकी सब आए अपने इस एग्जाम्पल में। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर मैं एक छोटा डायग्राम और बनाता हूँ, ब्लैक कलर से बनाते हैं इसको। तो अगर हम लोग डायग्राम के टर्म्स में बात करें, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आउटपुट आता है? ये, इज इट क्लियर? जितना ब्लैक पोर्शन है वो आउटपुट आता है, व्हाइट वाला पोर्शन हट जाता है। सो इसको कैसे निकालते हैं? आप लिखिए बैट डॉट सिमेट्रिक अंडर स्कोर डिफरेंस बॉल। ओके, अब देखिए इसमें रोहित शमी, गिल, बुमराह, राहुल कोहली, ये लोग आ गए। ऑब्वियसली अभी हम कीपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका दूसरा पर्पस है, बट आई गेस ये आपकी समझ में आई होगी बात। क्लियर है सबको? तो यस सर। हमने डिफरेंस निकाला, इंटरसेक्शन निकाला और सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला। ठीक है, अब आता है केस राहुल का, क्यूरियस केस ऑफ राहुल। तो मान लो ये क्या है, ये एक सेट विद इन अ सेट है, नहीं बोलेंगे इसको, आप खुद बताइए। राइट, तो सेट विद इन अ सेट को और क्या बोल सकते हैं? सब सेट। राइट, ये पूरा का जैसे हम कह सकते हैं ऑल राहुल्स आर बैटर्स कह सकते हैं ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं पड़ी थी जैसे उसमें आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, सिलॉजिज्म क्या बोलते हैं उसको, सिलॉग्स जो लो, सिलॉजिज्म बोलो। ऑल राहुल्स आर बेटर, क्या ये ट्रू है? राइट, ऑल बेटर्स आर राहुल, फॉल्स हो गया। राइट, सम बॉलर्स आर बैट्समैन, ट्रू है। ऑल बॉलर्स आर बैट्समैन, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो इसी तरह तो सॉल्व करते थे वेन डायग्राम बना के। राइट, सो वही यहाँ पे कंसेप्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का ही कंसेप्ट है, हम सेट थ्योरी से सॉल्व कर रहे हैं और पाइथन ने उसके लिए हमें मेथड्स दे रखे हैं। तो ये क्या है, हम लिखते हैं कि कीप, कीप मेथड में राहुल है, तो कीप डॉट इज सबसेट बैट, ये एक सवाल है, एज ए क्वेश्चन है। राइट, क्या कि क्या कीप सबसेट है बैट का? ट्रू। आप समझ रहे बात? हम इसे क्या कीप सबसेट है बॉल का? ठीक है, ये वही बात होगी कि ऑल राहुल, ऑल कीपर्स आर बैट्समैन। राइट,
आगे बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा भी होता है, बैट डॉट इज सुपर सेट ऑफ कीप। ये समझ रहे? अगर फिर समझिए इस बात को, अगर कोई सबसेट है किसी सुपर सेट का ही सबसेट होगा, ओके? अगर किसी सेट में कोई सेट है तो बड़ा सेट सुपर सेट बन जाएगा और छोटा सेट सबसेट बन जाएगा, ये याद रहेगा। हेलो, ठीक है, ये अपना सुपर सेट है और ये अपना सबसेट है, ओके? ये राहुल वाला, सो ये याद रखिएगा आप। इस तरीके से हम पता करते हैं कि क्या किसी कॉलम की वैल्यूज किसी और बड़े कॉलम की सारी वैल्यूज के उसी में आ जाती है क्या, ऐसा है ना। इसे हम इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, इट कैन बी मेनी थिंग्स, ये आप याद रखिएगा, ओके? अब इसके बाद आते हैं अगला, बैट सुपरसेट हो गया। अब अगर हम लिखते हैं बैट डॉट अपडेट बॉल, ठीक है, इसको अगर हम कहें टीम इज इक्वल टू बैट डॉट अपडेट बॉल, ये आप समझ रहे हैं? हमने कल सिखाया था आपको कि अपडेट मेथड जो होता है वो मोर देन वन एलिमेंट्स को ऐड करता है, और जो ऐड मेथड होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है? तो जो ये अपडेट मेथड है, ये पूरा बॉलर वाला जो सेट है उसे बैट वाले सेट में यूनियन कर देगा, और यूनियन करने के बाद उस पूरी बात को या उस वो जो नया सेट बन के आएगा उसे टीम नाम के वेरिएबल में सेव कर देगा, असाइन कर देगा। और इस तरीके से जब हम टीम को प्रिंट करेंगे, नन क्यों आया हमें चेक करना पड़ेगा, ओके, उसने एक्चुअली जो है इसी में अपडेट कर दिया पर सेव नहीं किया, तो अब हम बैट को ही टीम कह देते हैं। नन हो गया, एक सेकेंड दीजिए, लेट्स फिक्स दिस, तो हम फिर से इसको ले लेते हैं, ये हमारे लिए बैट है और अब हम कह रहे हैं टीम हमारी बैट। इसमें यूनियन में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुए, और क्योंकि जो है बॉल में भी कुछ एलिमेंट्स थे बैट में भी कुछ एलिमेंट्स थे जो कॉमन थे, पर यही सेट की थ्योरी है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ओके? तो ये हम लोगों को और याद रखना है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने अभी तक मेथड्स पढ़े हैं जैसे डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो कुछ और मेथड आते हैं जिनका नाम जामे जैसे डिफरेंस अपडेट, ओके? अब ये डिफरेंस अपडेट मेथड क्या है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नए सेट्स बनाते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक सेट बनाया ए बी नाम का सेट, और इसमें जो हमारे नाम है वो है मैट टेबल मोबाइल पेन, ये इसमें, और एक बी सी नाम का सेट है,
इसमें है मोबाइल, कैलकुलेटर, शैम्पू, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ ए बी डॉट इंटरसेक्शन बी सी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो सिर्फ मोबाइल आ रहा है, इज इट क्लियर? और अगर मैंने लिखा, फिर देखिए, मैं यहाँ पे एक डॉट लगाया और मैंने लिखा इंटरसेक्शन अपडेट बी सी, ओके, तो ये अलग मेथड है। अब अगर मैं ए बी को प्रिंट करूंगा तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन अपडेट का मतलब क्या है, कि जो ए बी की, ए बी और बी सी के बीच में इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो ए बी में अपडेट कर दो। आप समझ रहे? इसी इसी यस वजह से हम लोग ने जैसे अपडेट किया तो वो सेव नहीं हुआ उसमें, क्योंकि बैट अपडेट हो गया अपने आप, ठीक है, तो हमें फिर दोबारा करना पड़ा उसको। तो ये इंटरसेक्शन अपडेट क्या कर रहा है, एक ही बार में ए बी और बी सी को अपडेट कर दे रहा है, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा है, और जो वैल्यू आ रही है इंटरसेक्शन पे उस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर दे रहा है। ओके, तो ये जो अपडेट वाले मेथड्स हैं वो यही काम करते हैं, हम फिर से ए बी और बी सी को बनाते हैं, इसको चलो ए बोलते हैं और उसको बी, और इजी बात करते हैं। तो ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, जो ए और बी के बीच में हमें पता है कुछ कॉमन है, पर ए माइनस ए डॉट डिफरेंस बी करते हैं। ओके, तो क्या आउटपुट आया, पेन मैट एंड टेबल। ओके, तो अब आप बता सकते हैं कि अगर हम ए डॉट डिफरेंस अपडेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप गेस कर सकते हैं? कुछ भी जवाब नहीं। जैसे इंटरसेक्शन अपडेट में क्या हुआ कि जो उन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू थी वो ए बी में सेव हो गई, ठीक है, तो ए डॉट डिफरेंस बी की वैल्यू, अभी ए क्या है, मैट टेबल मोबाइल पेन, और ए डॉट, अब ये जब हम अपडेट कर देंगे तो ए की वैल्यू ये बन जाएगी। ये समझ में आ रहा है? बस, तो ये अपडेट वाला मेथड का काम सिर्फ इतना है कि ये ऐसा है कि ए बराबर ए डॉट डिफरेंस बी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हैं कि ए की वैल्यू ए डॉट डिफरेंस बी है, ये डिफरेंस अपडेट है। हम लोगों ने कल एक चीज और भी पढ़ी थी कि एक रेंज मेथड होता है, जैसे हमने कहा रेंज में 2 से लेके 12 तक और डिफरेंस आए 2 का, तो इससे भी हम सेट बना सकते हैं। तो हमने कहा एम एस इज इक्वल टू सेट, ये, और अब हम एम एस को प्रिंट करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 से लेके 10 तक के एलिमेंट आ गए। अब यहां पे हम लोग एक और मेथड यूज कर सकते हैं, डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का मतलब क्या होगा, नाम बहुत क्लियर है, राइट? मान लीजिए जब कहते हैं 8, तो जब हम एम एस को प्रिंट करेंगे तो 8 डिस्कार्ड हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये एक तरीके से रिमूव करना हो गया, राइट? तो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट जो है वो म्यूटेबल नहीं, बट उसमें हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं, है ना?
म्यूटेबल का मतलब है कि उस वैल्यू की पोजीशन के साथ उसे चेंज कर देना। जैसे सेकेंड नंबर पे अगर कोई वैल्यू थी, उसको सेकेंड नंबर पे उसकी जगह कोई और वैल्यू ले आना, ये म्यूटेबल है। बट ये क्या है, एक चेंजेबल है कि चेंज कर सकते हैं इसको, इसमें हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम लिखते हैं ms डॉट डिस्कार्ड 8, दोबारा से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें कोई एरर नहीं दिया जबकि उसमें है नहीं वो एलिमेंट। ये चीज आपको समझ में आ रही? तो डिस्कार्ड जो है वो एक ऐसा मेथड है, नो एरर, अगर नहीं है तो कोई एरर नहीं देगा, पर अगर है तो उसे हटा देगा, ठीक है। एक और यहां पे ट्राई करते हैं, रिमूव। रिमूव का भी काम वही है, पर रिमूव हमें एरर दे रहा है। ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम लिखते, ये दो मेथड दिए, अब देखिए जो सेट का पार्ट है हम लोग को सब चीज पढ़नी, तो हम लोग को बस ये याद रखना है। अब जैसे ms डॉट हम फिर करते हैं रिमूव 6, तो 6 अभी है तो उसे हटा देगा, पर अगर हम लिखते हैं ms डॉट रिमूव 6, दोबारा लिखते हैं, अब क्या एरर देगा? पर यही अगर हम डिस्कार्ड लिख देते हैं तो कोई एरर नहीं देगा। काम दोनों का सेम है, पर डिस्कार्ड ना कोई वार्निंग में कोई एरर देता, बट रिमूव एक एरर देता है। इज इट क्लियर? यस। हम फिर से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बैट, तो आगे का मेथड पढ़ने के लिए हम इनको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। अगर हम लिखते कीप डॉट इज डिस जॉइंट बॉलर, तो यहां पे देखिए क्या लिख के आ रहा है नीचे, ये भी एक तरीके का प्रश्न है, ठीक है, ये भी एक तरीके का सवाल है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने एक सवाल पूछा, तो ये सवाल है कि क्या कीप बॉलर का डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि जब दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट। ये बात समझ रहे? तो आप इंटरसेक्शन से ये पता लगा, इसके अलावा अगर हम लिखते हैं कीप डॉट इंटरसेक्शन बोलर, तो ये एक एम्प्टी सेट आएगा, ओके, एक खाली सेट। एक एम्प्टी सेट क्यों आया? क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए। ये चीज समझ रहे? तो वेन डायग्राम के टर्म्स में, और यहां पे भी देख लो, राहुल बिल्कुल बॉलर से दूर है एकदम, नहीं? राहुल वाला जो सेट है, कीपर वाला जो सेट है, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बॉलर से किसी भी तरह से इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो ये हमारा सेट का कंसेप्ट है। अब जैसे हम लिखते हैं बैट, तो जो भी मेथड्स हम लोग के थे यहाँ पे, जैसे ऐड, ऐड का मतलब क्या, एक एलिमेंट ऐड कर दिया, क्लियर। जैसे हम ऐड कर देते, और यहाँ पे जैसे हम लोग पहले भूल गए थे श्रेयस, तो अब ये सिर्फ बैटर है और ये ऐड हो गया ऐसे, ठीक है। अपडेट आपको अभी दिखाया कि अपडेट में आप मल्टीपल वैल्यूज अपडेट कर सकते, क्लियर का काम क्या है, पूरे का पूरा सेट एम्प्टी सेट बन जाएगा। एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है। तो ये सेट के कंसेप्ट हैं, हम लोगों ने ये सारे मेथड्स पढ़े, कॉपी
कॉपी उसकी सिर्फ एक कॉपी रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा उसको, ठीक है। एक और इसमें आता है यूनियन, ठीक है। तो जो अपडेट है वो सीधा सीधा बदलाव कर देता है, यूनियन सिर्फ आपको एक आउटपुट दिखाएगा। जैसे आपने लिखा बैड डॉट यूनियन की, तो ये सिर्फ उसका आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। अपडेट भी लगभग वही काम कर रहा है, पर अपडेट उस आउटपुट को सेव कर देगा प्रीवियस वाले में, पर यूनियन सिर्फ आपको दिखाएगा कि ऐसा हो गया। ओके, सो जो हम लोगों ने ऊपर एक गलती की थी कि हमने टीम जब बना रहे थे हम, तो हमने यहाँ पे अपडेट करके उसे स्टोर किया था, जबकि हमें यूनियन करके स्टोर करना चाहिए था। तो उससे क्या होता है कि जो बैट और बॉल का जो यूनियन था, यानी वो जो आउटपुट था, वो स्टोर होता। तो वो गलती अब हम लोग सही कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं बैट डॉट यूनियन बॉल, इससे हमारी पूरी टीम बनेगी और इसको हम टीम कह देते हैं। तो अब की बार बैट भी नहीं बदलेगा, वो भी नहीं बदलेगा, और ये हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग सेट को बदल सकते हैं। और जो हम लोगों ने और भी हम मेथड्स देख लेते हैं। फाइनली एक और मेथड है अभी इसमें पॉप नाम से। तो पॉप जो मेथड है वो एक एलिमेंट को जो है रिमूव कर देगा यहाँ से। जैसे हम दबाए हार्दिक को हटा दिया, फिर हमने पॉप किया जडेजा को हटा दिया, तो ये इधर से हटा रहा है। आप अगर देखेंगे पहले हार्दिक हटाया, फिर जडेजा हटाया, अब ये रोहित हटाया। तो बैट डॉट पॉप, अब अगर बैट करेंगे तो ये बचेगा। तो ये हम लोगों के मेथड्स हैं सेट के, और अभी तक हमने लिस्ट पढ़ लिया है और सेट पढ़ लिया है पाइथन में। ये सारे जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आगे काम आएंगे, और इसीलिए और इस तरीके से आपको ये भी समझ में आएगा कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें हर लेवल में कुछ ना कुछ एनालिसिस है, और हर तरह के एलिमेंट में क्रड ऑपरेशंस हैं। क्रड माने कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो जाके भी क्रड ऑपरेशंस होते हैं वो, जैसे एसक्यूएल में भी हमने क्रड ऑपरेशंस पढ़े थे। तो क्रड ऑपरेशंस जहाँ पे भी होते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा होता है वो हमें डेटा मैनेजमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इस सेट से भी हम एक तरह का डेटा मैनेजमेंट कर रहे हैं, और आगे चल के, और ये सब अभी वन डायमेंशनल डेटा है। आप अभी देख रहे हैं ये वन डायमेंशनल डेटा है। वन डायमेंशनल का मतलब है कि अगर हम टेबल के एक एक्सेल टेबल के टर्म्स में बात करें, जैसे मान लो जो हमारा केस है लाइक स्पीशीज, आइलैंड, व्हाटएवर, तो ये जो है एक एक पर्टिकुलर कॉलम यहाँ पे हमारा एक सेट है। इज इट क्लियर? इसके जो यूनिक वैल्यूज है, ऑब्वियसली जैसे इसमें अडेली, चिनी स्ट्रैप, गेंटू, ऐसे करके तीन है। तो अगर इसको हम सेट में बदलेंगे तो इसमें सिर्फ तीन एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये सेट है, और ये पूरा ही सेलेक्ट कर लेंगे विद इट्स पोजीशन, जैसे यहाँ पे लिखिए, तो वो लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट ऑर्डर्ड है और उसमें वैल्यू रिपीट अलाउड है। तो अगर हमें इसके नॉन रिपीटेटिव वैल्यूज चाहिए तो हम सेट बना देंगे इसे। अगर इसके हमें सारे वैल्यूज चाहिए तो हम इसको लिस्ट बना देंगे। इज इट क्लियर? तो यही हम लोगों का आउटपुट है। तो इसको अब आप लोग जो है रिवाइज कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं सेट के ऊपर या लिस्ट के ऊपर या इवन पाइथन में या किसी भी टॉपिक पे, तो वो आप अलग से डिस्कस कर सकते हैं। ओके,
फिर हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टपल, एंड टपल के बाद पढ़ेंगे डिक्शनरी। ओके, ये भी दो अलग डेटा टाइप्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, ये लिस्ट से और सेट से किस तरीके से अलग हैं और क्या कॉमन है दोनों के बीच में, वो सारे कुछ हम पढ़ेंगे। ओके, सो सी यू ओके इन सर। नेक्स्ट वीडियो।